Assalamualaikum. Today our 13th lecture. आज हम unit number 8 start करने जा रहे हैं. Introduction to algebra. इसमें हम algebra के बारे में पढ़ेंगे. Algebra की definition है सबसे पहले. Algebra is an important branch of mathematics that provides us the solution of many complex mathematical problems in an easy way. यानी algebra is an important branch. अलजबरा जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स. अलजबरा भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है. दैट प्रोवाइड्स अस द सॉल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हमें बहुत से यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है इन एन ईजी वे, एक आसान तरीके से. यानी ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी इक्वेशंस जिनको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम पेश आती है, हमें मुश्किल होती है, उसको सॉल्व करने के लिए अलजबरा हमें एक ईजी वे देता है. तो अलजबरा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम एक ईजी वे में आसान तरीके से हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. वर्ड्स का मजमुआ यानी वर्ड्स का ग्रुप जो कि हमें एक मुकम्मल सेंस अदा करता है, यानी मुकम्मल सेंस जिसकी हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, वो सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, काओ गिव्स मिल्क. ये सेंटेंस है, इसकी हमें अच्छी तरह समझ आ गई है. यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं, ये इनसे मिलके एक सेंटेंस बना है. यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिससे हमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, उसे सेंटेंस कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. नेक्स्ट है स्टेटमेंट. अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस. स्टेटमेंट जो होती है वो भी एक सेंटेंस ही होता है. दैट मे बी ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी. जैसे कराची इज इन द पंजाब. कराची पंजाब में है. हमें पता है कि कराची जो है वो सिंध में है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट है मैंगो इज अ फ्रूट. मैंगो जो है वो एक फ्रूट है, तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट है थैंक यू. ये एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. थैंक यू. नेक्स्ट है टू प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू फोर. यहाँ पे हमें इस ट्राइंगल की वैल्यू का नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यानी ये वेरिएबल यूज हुआ है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. नेक्स्ट ये है सर्कल इज अ बिग सिटी. यहाँ पे सिटी का नेम नहीं दिया हुआ, वैसे ही सर्कल बनाया हुआ है कि हमें पता नहीं है कि कौन सा सिटी बिग है, यानी यहाँ पे कोई भी सिटी आ सकता है. तो ऐसी स्टेटमेंट जिनमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू का ना पता हो, जिसमें हमें इस बारे में ना पता हो कि यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है या यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है, तो उन स्टेटमेंट्स को ओपन स्टेटमेंट कहते हैं. ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें वैल्यूज़ का एग्जैक्ट ना पता हो, उनको ओपन स्टेटमेंट कहते हैं. अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करें. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट. इसमें हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है, फॉल्स है या ओपन स्टेटमेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इज अ नेचुरल नंबर. 5 जो है वो नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. तो 5 एक नेचुरल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो इसके साथ हमने बस ट्रू राइट करा. नेक्स्ट है 9 इज अ प्राइम नंबर. 9 जो है वो प्राइम नंबर है. और प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों. द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो, 1 और अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है. तो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 पे भी डिवाइड होता है. इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाई ट्राई एंगल इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई सर्कल. तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमें पता नहीं है कि ट्राई एंगल की वैल्यू क्या है और सर्कल की वैल्यू क्या है, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ऐसी स्टेटमेंट जिसे हमें पता ना चले कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं. इसके साथ क्या राइट करेंगे? ओपन स्टेटमेंट. नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8. इसको हम सॉल्व करके देखेंगे. 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 आर 30.
इज इक्वल टू 4 8 are 32। तो ये दोनों आंसर सेम नहीं आए, यानी 30 जो है वो 32 के इक्वल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 की डेफिनेशंस की है, इसके अलावा इसका फर्स्ट फैक्टर किया है। अगर इसमें से किसी चीज की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।